कि आदरणीय कलाल मिश्र जी का स्वागत अपने हाथों से करें और आप सभी तालियों से इनका स्वागत करें। अब बहुत बड़े योग गुरु और योग संस्थान के कुलपति आदरणीय नागेंद्रा जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को योग सिखाया है, उन्हें आवर्तन प्राणायाम सिखाया है। मैं चाहता हूं उनका भी स्वागत पुष्प से किया जा रहा है। और समय अभाव है, ज्यादा हम नहीं कह सकते, इसलिए कहता हूं कि आदरणीय कृष्णा मिश्रा जी ही आदरणीय हेमा मालिनी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप मालिनी अवस्थी जी, जिनके स्वर की मिठास हम और आप हमेशा। ये कमल जी सामने आ जाएं कमल जी, और आप अपने हाथों से अमरजीत मिश्र जी हमारे राज्य मंत्री, उनका स्वागत करें। कमल मुकुट जी जिन्होंने सैकड़ों फिल्में बना करके हमें मनोरंजन प्रदान किया है। कमल मुकुट जी एक ऐसा नाम है जो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ी हस्ती रखते हैं, उनके हाथों से राज्य मंत्री अमरजीत मिश्र जी का मैं स्वागत करूंगा। कमल जी, मैं चाहता हूं आप हेमा मालिनी जी का भी स्वागत अपने हाथों से कर दें। कमल जी चाहते हैं आपका स्वागत करना, और कमल जी आप, मैं चाहता हूं इसी क्रम में राज्यपाल महोदय का भी स्वागत कर दें जोरदार तालियों से। ये श्रोताओं के बीच से आए हैं, ये उनके प्रतिनिधि के रूप में सबका स्वागत कर रहे हैं, एक तरह से सभी श्रोताओं का पुष्प आप तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत का। ये संक्षिप्त कार्यक्रम गवर्नर साहब का और यहां बैठे दूसरे तमाम सेलिब्रिटीज का स्वागत करें, लेकिन समय अभाव के कारण हम प्रतीक रूप में एक एक प्रतिनिधि को ही बुला करके यहां स्वागत करवा। दुनिया में वीर भूमि के नाम से जाने जाने वाले राजस्थान के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय कलराज मिश्र जी, अध्यात्म से लेकर सामाजिकता तक भारतीय वांग्मय को अपने जीवन में अंगीकार करने वाली मथुरा की सांसद आदरणीय हेमा मालिनी जी, उत्तर भारत की स्वर कोकिला जो पूरी दुनिया में लोक संस्कृति का परचम फहरा रही हैं, जिनकी वाणी में सरस्वती माँ शारदे की कृपा, ऐसी पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, हम सबके जीवन में परिवर्तन करने को प्रतिबद्ध डॉक्टर नागेंद्र जी, बहनों और भाइयों के जीवन पर एक सीरियल बनाने की शुरुआत और उसका खूबसूरत गीत आज आदरणीय माननीय अवस्थी जी की आवाज में। नारियल फोड़कर किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है, आदरणीय कलराज मिश्र जी ने उसकी शुरुआत की है। इस पूरे अनुष्ठान को शुरू करने का जिस व्यक्ति ने बीड़ा उठाया, भगवान कृष्ण भी। अब मैं चाहता हूं जिस काम के लिए हम सब यहां पर आए हैं उसके लिए एक शुभ मुहूर्त ढूंढा गया है। यहां पर उपस्थित अत्यंत विद्वान डॉक्टर एचआर नागेंद्र जी और हम सब जिनको देख करके जिनके अंदर मैं सोचती हूँ 16 कलाएं समाहित हैं, वो अभिनेत्री ना होती तो भी कुछ होती, मैं तो एक कलाकार हूँ और कहीं ना कहीं मेरा नाम भी मालिनी, मुझे लगता माँ ने बहुत कुछ उनसे प्रेरित होकर के ही रखा होगा, और मेरा सौभाग्य है, बहुत बड़ी उनकी मैं प्रशंसिका हूँ। और जिस गरिमा के साथ एक महिला कला राजनीति और समाज में कितना सुंदर संतुलित योगदान दे सकती है उसकी प्रतिमूर्ति आदरणीय हेमा मालिनी जी। और यहाँ पर उपस्थित
हम सब के मुंबई के बहुत अपने उत्तर भारतीयों को जोड़ने में तो जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मैं तो करीब पिछले 2 दशकों से देख ही रही हूँ, और वर्तमान में पदभार क्या है मैं तो नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ मुंबई में मुझ मेरा पहला कार्यक्रम कराने वाले आदरणीय अमरजीत मिश्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और आप सभी को नमन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में जो हेतु है जिनकी वजह से हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, कृष्णा मिश्रा जी, संयोग से उनको भी जानने का मुझे बहुत लंबा अनुभव रहा है, बड़े जुझारू व्यक्ति हैं, एक बार जो ठान ले तो प्रोजेक्ट यदि थक जाए तो थक जाए, कृष्णा जी फिर उसको पूरा करे बिना थमते नहीं, और मेरे ख्याल से 1 साल हो गया उससे पहले से उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी इच्छा है स्वामी विवेकानंद जी पे बनाने की फिल्म, और मेरी उनसे लंबी चर्चा हुई कि फिल्म में उतनी सीमा नहीं रहती 3 घंटे में पूरी बात कहना, और टेलीविजन सीरियल्स में आजकल चैनल्स का भी बड़ा दखल हो गया है क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी बातें भी सुनी जाए, और मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद उन्होंने इरादा बदल दिया है। इस बीच में वो मुझसे निरंतर कहते रहे आप इसका संगीत दें, हर हफ्ते फोन आता था, मैंने कहा मेरे कार्यक्रम और मेरी जो व्यस्तताएं मुझे इसके लिए नहीं अभी समय दे रही। ते देवी प्रणमाम्य हरि प्रिय, ये श्लोक कहने को बहुत ही मन किया क्योंकि हम इस कॉन के इस बहुत ही सुंदर सा ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, बहुत ही सम्माननीय राजस्थान के गवर्नर सर हमारे, क्योंकि मैं गरीबी में बहुत परेशान हूँ कि आप हमेशा माँ काली माँ हमारा साथ काम करेंगे, तो आप व्हाई डोंट यू आस्क हर टू गिव मी समथिंग, आई नीड टू लिव अ लिटिल बेटर लाइफ, विल शी गिव मी। सो रामकृष्ण बोलते हैं अंदर जाओ ना मंदिर में जाके पूछो, तो वो सीढ़ी में बैठे हैं, तो जाके पूछो माँ दे देगी, तो विवेकानंद इतने परेशान थे गरीबी में कि वो जाके माँ से पूछने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाके खड़े रहते हैं थोड़ी देर, इतने में काली माँ यहाँ रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठ के मजाक कर रही है, देखो ये कुछ पूछने गया है। देन रामकृष्ण हमेशा बोलते हैं उन काली माँ से, माँ प्लीज उसको कर देना, दे दो तथास्तु कर दो ना, तो वह हंसती रहती है माँ, ऐसा मेरा कैरेक्टर था, ऐसे परफॉर्म किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर इसका वापस आते हैं विवेकानंद जी बाहर, तो रामकृष्ण जी ने पूछा कि क्या आपने मांगा कि नहीं, दे देना है या उसके साथ हेम को वर्ण को भी उसके साथ जोड़ के भारत के उन्नति के लिए प्रयास करते हुए हेमवर्णी को बधाई देना है, या अपने जीवन में अमरत्व के ओर जाने वाले अमर जीत को बधाई करना है, या कला को संपूर्ण विश्व में बढ़ाने का भारत में बढ़ाने का कारण मिश्रा जी को बधाई देना है, मुझे पता नहीं है, सबको धन्यवाद करता हूँ और सब लोगों को बधाई। 1893 9/11 कुछ विशेष बात हो आप सब लोग जानते हैं, स्वामी जी ने अपने भारत के संस्कृति को अध्यात्म शास्त्र को योग प्रणाली को शिकागो पार्लियामेंट रिलीजियस में उन्होंने संपूर्ण विश्व में फैला दिया। इंडिया रीच द हाइट्स ऑफ ग्रेट हाइट्स ऑन द पर्टिकुलरली कि वन नरेंद्र डिड दैट अनदर नरेंद्र came in UNO and brought again to the great heights by bringing the holistic dimensions of yoga in his talk to the UNO. And what a response he got. 183 countries said yes, we should have June 21st to be announced as International Day of Yoga. And brought again. Second Narendra made this possible. So we are so grateful that our Prime Minister आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी, मंच पर विराजित आदरणीय बहन हेमा मालिनी जी, मालिनी अवस्थी जी, और हमारे मित्र अमरजीत मिश्र जी,
हमारे कमल मुकुट जी, सभी सम्मानित महानुभाव और जो स्वामी विवेकानंद सीरियल के प्रयत्नशील हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय श्री कृष्ण मिश्र जी, सभी सम्माननीय बहनें, सभी सम्मानित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज का अवसर बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक ऐसे महापुरुष के बारे में एक सीरियल बन रहा है जिस महापुरुष ने केवल भारत को ही नहीं तो पूरे दुनिया को भारतीयता के आधार पर आलोकित किया था, जिसके पीछे दुनिया भागती थी, ऐसे महापुरुष, वह महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी, जिससे अनुप्राणित होकर आज के प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में एक दिशा प्रदान करने का प्रयास किया है, मैं कह सकता हूं। और सीएल के माध्यम से स्वामी जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सबको जानकारी प्राप्त हो। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि स्वामी जी का बचपन से लेकर, जिसके बारे में अभी हेमा जी ने कहा कि वो परेशान थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, माँ से वरदान मांगने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा, वहां तक एक पक्ष ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं कि पढ़ाई में बड़े ही प्रतिभा संपन्न थे, नास्तिक थे, मांगी नहीं थे। एक मित्र उनको रामकृष्ण परमहंस के पास ले गया, और जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए वो, तो रामकृष्ण परमहंस से कहा, यार तुम आ गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, जानते भी नहीं। स्वामी जी कह के कैसा विचित्र आदमी, ये कह रहे तुम्हारे, तुम्हें तो ढूंढ रहे थे, कह ठीक है बात करते थे। तो उनसे भी उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, भगवान ने मुझे नौकरी दिला दी यार, तो अच्छा ठीक है तुम दूसरे दिन आना। जब बाद में आए तो कहे माँ से मांगो, फिर वो कहे कि क्या माँ क्या देगी, फिर बातचीत में बहस में लगा और फिर चले गए, क्योंकि स्वामी जी बड़े तार्किक थे, हर बात पर जिज्ञासा शांत करने की दिशा में प्रतिशील रहते थे। और फिर बाद में जब गए तो उनका कि चलो आपको मांग लो, तो माँ से कहो नौकरी मांगो, वो गए नहीं बोले, दोबारा गए तो भी नहीं बोले। और जब स्वामी जी ने बार बार उनको आग्रह किया, कहा कि जाओ तुम, तब जाकर वो कहते हैं माँ श्रद्धा दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। ऊपर कई फिल्म बनी है, लेकिन समय समय पर बनाते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि पीपल मस्ट नो कि वॉट ए ग्रेट मैन ही वॉज एंड वॉट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, यू नो। तो उनके बोलते ही साथ साथ में रामकृष्ण परमहंस के ऊपर भी आता है, तो ये आने वाली पीढ़ी को सब मालूम होना चाहिए कि विवेकानंद क्या है, कौन है। तो इसके ऊपर टीवी सीरियल बनाने का सोच रहे हैं कमल मुकुट जी, बनाने वाले हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं पीएमओ किया मैंने, और फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं, आप जानते हैं, अधिकतर मैं लोक के गीत गाती हूँ, यानी कि जो अपनी मिट्टी के गाने हैं, और ऐसे में मुझे उन्होंने चुना क्योंकि उन्होंने कहा एक भारत माता की आवाज़ है कि युवाओं के लिए, और ऐसे में शायद विवेकानंद आए होंगे, तो एक प्रेरक आवाज़ चाहिए जो मदरली वॉइस भी हो। तो मुझे बहुत फख्र है कि ऐसा गीत गाने का अवसर मिला, और जो धुन है, जो शब्द हैं, उसको सुन करके समझ में आता है कि जो कॉन्सेप्ट है सीरियल का, और मुझे खुशी कि OTT पे दिखा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जब आजकल आप जनरल एंटरटेनमेंट चैनल में दिखाते हैं या फिल्म्स में, तो शायद कभी ना कहीं विषय से समझौता करना पड़ता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी
एक ऐसा विषय जो आज के समय में तो और भी प्रासंगिक है कि उनकी पूरी कथा को दोहराया जाए। तो मैं तो कहूँगा कि इस सीरियल से, इस धारावाहिक से जो जो जुड़े हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और उनके पुराने कामों की वजह से भी वो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो उनसे दिल से जुड़ा होगा वही इस तरह के काम करेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने कृष्णा सर को, जिन्होंने काफ़ी गाने, काफ़ी कंपोजिशंस चूज़ करने, हटाने के बाद, कम से कम 10-12 कंपोजिशन हटाने के बाद एक कंपोजिशन चूज़ किया, और ये कंपोजिशन ही चूज़ करने में एक साल हम लोगों ने लगाया है। एक साल में ये कंपोजिशन चूज़ हुआ, और उस पर रमन भाई हमारे राइटर हैं, इन्होंने कमाल के शब्द लिखे हैं। और मुझे ये जनरेशन यूथ को मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा लगेगा, और इसका ट्यून और लिरिक्स दोनों एक दूसरे के ऐसे लगते हैं, पूरक हैं, और आएगा जब तो लोगों को ज़रूर प्रभावित करेगा। इतना कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ये हर युवा की एक शक्ति है, और हर युवा इसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। राजपाल जी के हाथों लॉन्च हुआ है यार। देखिए, अगर अच्छी चीज़ अच्छे लोगों के हाथ से लॉन्च होती तो भगवान उसकी सब मान रखता है और मर्यादा बना के रखता है उसकी। मैं भी ये सोचता हूँ इसकी मर्यादा बहुत अच्छी रहेगी और लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ओके, बीइंग अ राइटर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना काम किया है आपने? देखिए मैडम, जहाँ तक क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा काम करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। ये एंटीना ऑन होने वाला मामला होता है कि जब आपका सिग्नल ऑन हो जाए, प्रकृति की चीज़ें प्रकृति को लौटानी है। 5 मिनट में बन गया था जब बनाने पर आए तो। इंटरनल पिच बहुत ज़्यादा, आपकी जो इंटरनल विल है ना, कहते हैं कि इनपुट जितना स्ट्रांग रहेगा आउटपुट उतना अच्छा आएगा, मेरा ऐसा मानना है। और बहुत नेचुरली चीज़ आई है, बहुत सॉफ्ट तरीके से आई है, आप सुनते हैं तो लगता है कि हम ही ने किया है। और सबसे बड़ी बात अपॉर्चुनिटी की होती है। देखिए, बहुत सा टैलेंट ऐसा है जिनका राम नाम सत्य हो जाता है। ये तो माया नगरी है, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, कि लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, वो एक किताब भी नहीं लिख पाते हैं। पर अगर हम बात करें तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे कृष्णा सर का आशीर्वाद मिला, और विष्णु भैया की कॉम्पोजिशन है, मालिनी मैडम गा रही है, और मैं तो ये कहूँगा कि अभी शुरुआत हुई है। पूरा का पूरा प्ले में स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में भी इन्वॉल्व हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि पूरा म्यूजिकल है और बहुत कुछ आगे रहेगा पूरे सीरियल की अगर मैं बात करूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सर। जो सीरियल को लॉन्च किया गया है स्वामी विवेकानंद जी पर, इस सीरियल के बारे में थोड़ा विस्तार। सीरियल लॉन्च नहीं हुआ है, गाना आज पहला गाना रिकॉर्ड हुआ है अभी, और उस गाने के साथ में इस द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद के गाने के साथ इसका मुहूर्त हुआ है, और हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं। करीब पिछले 3.5 सालों से हम इस पर रिसर्च पर लगे हैं। गुरुजी आचार्य नागेंद्र के आदेश पर मैं, हमारी टीम, विशेषकर रमन रघुवंशी हमारा बहुत खास है, वो राइटिंग कर रहा है। हम लोग मिलकर पूरी टीम बना के, करीब 10-12 लोगों की टीम है, इसको हम पूरा लिख रहे हैं। और अब शूटिंग के लिए तैयार हो चुकी है स्क्रिप्ट, जिससे पहला गाना रिकॉर्ड किया गया। अब कास्टिंग में करीब शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, और जल्द ही हम लोग इसका शूटिंग स्टार्ट करेंगे। वो अगले 1 महीने में डेट घोषित कर देंगे कि हमें शूटिंग कब से कर रहे हैं। कौन रहेगा स्वामी जी के रोल में? अभी फाइनल नहीं हो पाया। उसका रीज़न है कि स्वामी जी जिस तरह के हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो स्वामी जी अभी मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। रामकृष्ण में 2-3 ऑप्शन मिल गए हैं, स्वामी जी में 2 ऑप्शन मिले हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पाया। बाकी सारी क्रू एंड कॉस्ट फाइनल हो चुकी है। कोई जिला नाम जो होंगे नहीं, अभी मैं क्लोज डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। शूटिंग पे पूरा सेट लग रहा है, सेट लगना शुरू हो गया है। रामकृष्ण परमहंस जी के गांव कामरपुकुर, जहां वो पैदा हुए थे, वहीं पे पूरा गांव में सेट लग रहा है, आसपास के गांव में, और वहीं हम पूरा शूट करेंगे रियल लोकेशन पे मैक्सिमम। जी, पिछले 4 सालों से काम चल रहा है, और बड़ा बहुत ऑथेंटिक सीरियल बनेगा ये। और ये जो आपने पूछा कि कौन से करेक्टर्स कौन कौन से अपना चयन हुए, तो उसमें भी तकरीबन 1.5 साल से ऑडिशन चल रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट चाहिए इंसान, बिकॉज बहुत रियलिस्टिक सीरियल होगा ये, और जब आएगा तो लोग अपना जो है बार बार देखना चाहेंगे। बहुत मेहनत लग रही है, इतना ही है, पूरी टीम है। भैया का सपना है, कृष्णा भैया का ये सपना साकार होगा और बेहतरीन होगा, क्योंकि आज जैसे कहा अपना मंच पर कि आजकल सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, ये कुछ अपनी ऊपर से कुछ प्रेरणा है जिसके पीछे हमारे कृष्णा भैया भागते हैं, और वो उनके सब सपने साकार होंगे, क्योंकि बिल्कुल लगनशील हैं और कोई इनको हरा नहीं सकता, भगवान इनके साथ है। खास तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जा रही है, कोई खास वजह रही ओटीटी प्लेटफॉर्म? ओटीटी प्लेटफॉर्म की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन आज चूँकि डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल दुनिया हो रही है, और जितने भी अभी ओटीटी 5-6
हमारे इस वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी फिल्में दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उसमें अभी ओटीटी की और भी आवश्यकता है। वही सोचकर हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और खड़ा करने जा रहे हैं। आने वाले मतलब 5-6 महीने के बाद हम इसका लॉन्च भी इसे करेंगे। आज फाउंडेशन पड़ी है, 6 महीने बाद इसको लॉन्च करेंगे। थोड़ा इसमें हम हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के साहित्यिक चीज़ों को, जो साहित्यिक सांस्कृतिक से हमारे जुड़ी हुई हों और ऐतिहासिक धरोहर हों, उसको हम ले आएंगे। थर्ड क्लास घटिया चीज़ों को हम अपनी प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं देंगे। थोड़ा सा और प्लेटफॉर्म थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ बात को, क्योंकि आजकल जब चैनलों में बड़ी मनमानी है और उनकी प्रोडक्शन की टीम इसकी ये टीम वो ऑथेंसिटी को जो है ना वो सब चीज़ों को भी उतना ज्ञान है नहीं जितने ज्ञानी बनते हैं वे लोग। तो ये एक इंडिपेंडेंट होगा और साफ सुथरा कई प्लेटफॉर्म बने हैं अब, तरह तरह का उनका अपना जो है उनका खुद की थिंकिंग है, कॉमेडी है, वल्गर चीज़ें कहीं आ रही हैं। ऐसी जो ऐसा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हम लोग अपना जो एक बड़ा लगन से बना रहे हैं, उसमें इसका ऐसा रिस्पेक्टेबिलिटी रहेगी कि हेल्दी चीज़ें आएंगी और लोग बार बार उसको देखना चाहेंगे, ऐसा एक अपने प्लेटफॉर्म में मंत्रा जो आ रहा है और ये अच्छे से बड़े यूज अपना बड़े हाई लेवल पर सहा जाएगा। क्योंकि इसके लिए कोई भी गंदगी या कुछ भी, लोगों का मॉरल बढ़ेगा, लोगों का ज्ञान बढ़ेगा और लोग उसको जिस तरह रिस्पेक्टेबिलिटी से देखेंगे बार बार देखना चाहेंगे। ऐसी चीज़ें हम बार बार बनाएंगे और ये पहली शुरुआत है, इस अच्छी बिगनिंग जो सपने 4 साल से देख रहे हैं उन सपनों का अभी आगाज़ हुआ है, वो बहुत हाई लेवल पे चलेगा। थैंक यू सो मच।